हेलो फ्रेंड वेलकम इन ओम नर्सिंग अकेडमी मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हम देखेंगे ई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि अब हम ई के जो भी क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज देखेंगे जब तक ई एस की एग्जाम आएगी तब तक के लिए ठीक है तो ये उस सीरीज़ का पार्ट सेकेंड है इसके अंदर हम जो भी ई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उनको हम लेंगे ठीक है उनको सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में जितने भी मैं एम सी क्यू तो आपको उसका जो भी आंसर है वो कमेंट करना है और लास्ट में ये भी बताना है कि आपके कितने आंसर है वो सही हो रहे हैं ठीक है तो आप वो भी कमेंट करते रहना और जो भी इसका आंसर है वो आपको इसके जो भी कमेंट बॉक्स है वहाँ पे उसको आंसर करना है ठीक है तो अभी हम इस वीडियो में शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में विच कॉम्प्लिकेशन मस्ट द नर्स बी अलर्ट फॉर वाइन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ऑन इंट्रा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मोनिटरिंग तो क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन में बताया गया है कि एक क्लाइंट है उसको क्या है इंट्रा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जा रही है ठीक है तो उसके अंदर जो नर्स है वो कौन से कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए अलर्ट रहेगी ठीक है पेशेंट को क्या है इंट्रा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर उसकी क्या की जा रही है मॉनिटरिंग की जा रही है तो जो नर्स है वो कौन से कॉम्प्लिकेशन के लिए अलर्ट रहेगी ऑप्शन में देखिए वेंट्रिकुलर टेकि मायोकार्डियल माओकार्डियल इन्फार्क्शन पलमोनरी आर्टरी रपच्चर और लास्ट है हेमरेज तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है पहले समझिए क्या है इंट्रा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मोनिटरिंग चल रही है तो उसका जो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए नर्स right है वो अलर्ट रहेगी राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी हैमरेज क्यों क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम इंट्रा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इंट्रा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है जो भी पल्सिंग आर्टरी है ठीक है जो भी पलसेटिंग आर्टरी है उसके अंदर क्या किया जाता है कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है अगर कोई भी पल्सिंग आर्टरी है उसमें आप कैथेटर को इंसर्ट करोगे तो वहां पे चांस रहते हैं हेमरेज होने के ठीक है तो जो नर्स है वो कौन से कॉम्प्लिकेशन के लिए तैयार रहेगी अलर्ट रहेगी वो है हेमरेज बाकी के देखिए जो वेंटिकुलर टिकारिया है मायोकार्डियल इन्फेक्शन है आर्टरी रप्चर है ये इनमें नहीं देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो भी अदर कॉम्प्लिकेशन है उसमें हो सकता है जैसे एयर एम्बोलिज्म हो सकता है थर्मोल

क्वेश्चन में बताया गया है एक क्लाइंट है उसको डायग्नोस हुआ है जो भी लिम्फ नोड है उसके कैंसर का ठीक है तो जो क्लाइंट है वो क्या करता है वो बोलता है कि आपको इसमें कोई मिस्टेक हुई होगी आपको दूसरा कोई भी ओपिनियन है मतलब आपको फिर से इसकी जांच करवानी चाहिए तो जो नर्स है उसको क्या पता चलेगा कि ये क्लाइंट है ये कौन सी जो भी ग्रीफ की स्टेज है उसको शो कर रहा है ऑप्शन में देखिए डेनियल एंगर बार्गेनिंग और डिस्पेयर ठीक है मैंने इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ आपको मैंने पढ़ाया है जो भी एलिजाबेथ कुबलर रोस है डेथ एंड डाइंग है उसके बारे में मैंने बताया था इसके बारे में डिटेल में तो इसका राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए तो जो इसका राइट right आंसर है वो होगा ऑप्शन फर्स्ट डेनाइल ठीक है डेनाइल का मतलब क्या होता है मना करना यानी आ, वो अगर उसको कोई भी बैड एक्सपीरियंस होगा या उसको कोई भी दुखद घटना मिलेगी तो वो उसको पहले क्या करेगा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा वो क्या है डेनाइल ठीक है मैंने पांच इसमें बताए थे जो भी एलिजाबेथ कुबला रोस है जो ग्रीफ की स्टेज है डेथ एंड डाइंग में तो उसमें क्या था उसमें था डेनियल एंगर बार्गेनिंग डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस ठीक है वो पांच स्टेज थी तो उसकी फर्स्ट स्टेज कौन सी थी वो थी डेनियल मतलब वो किसी भी काम के लिए क्या करेगा डेनाइल करेगा ये क्या है ये यहाँ पे वो क्या कर रहा है वो मन ना कर रहा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो भी रियलिटी uh, सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ठीक है तो ये क्या ये है इसमें है ये डेनाइल हैज बीन अंडरगोइंग कीमोथेरेपी वाहन डिस्कसिंग एट होम केयर द प्रायोरिटी इंस्ट्रक्शन शुड टू बी तो क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है एक क्लाइंट है उसको क्या दी जा रही है उसको कीमोथेरेपी दी जा रही है तो उसकी जो भी होम केयर है उसके उस पर क्या हो रही है डिस्कशन हो रही है तो डिस्कशन के दौरान जो नर्स है वो क्या इंस्ट्रक्ट करेगी जो भी घर वाले हैं और जो भी बाकी के सदस्य हैं उनको तो उसमें ऑप्शन देखिए Avoid public places. Include fresh fruits and vegetable in your diet. Limit visitors in the home or wash your hand often. ठीक है तो क्वेश्चन को मैंने बता दिया उसकी क्या चल रही है कीमोथेरेपी चल रही है उसको होम केयर ट्रीटमेंट चलेगा तो जो भी बाकी के जो तो फैमिली मेम्बर्स है उसके लिए नर्स है वो क्या बोलेंगी ऑप्शंस मैंने बता दिए राइट आंसर आपको कमेंट करना है तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी वॉश योर हैंड्स ऑफन ठीक है उसको क्या चल रही है कीमोथेरेपी चल रही है तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है जो भी हैंड हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखे ठीक है उसको रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए जो भी उसके संपर्क में है जो भी उनको कोई भी थेरेपी दी जा रही है और जो भी पेशेंट है उनको ठीक है तो इसका रीजन क्या है क्योंकि जो पेशेंट होते हैं जो कीमोथेरेपी वाले होते हैं वो क्या होते हैं इम्यूनो इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं और उनमें इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांस रहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए क्लाइंट सीरम कैल्शियम लेवल इज सेवन एम जी पर डी एल वाट वुड बी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस लेबोरेटरी रिजल्ट ठीक है तो क्वेश्चन में क्या बताया गया एक क्लाइंट है उसका जो भी सीरम कैल्शियम लेवल है वो कितना है सेवन एम जी पर डी एल तो उसके लिए जो भी क्लाइंट है उसमें कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो देखने को मिलेंगे ऑप्शन में देखिए एबडोमिनल क्रैम्प्स डिप्रेस्ड डी टी आर्स एंड डिसमिया लेथार्जी एंड वीकनेस और नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन एक्सट्रीमिटीज तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है पहले आप देखिए इसमें क्या है कैल्शियम लेवल को आपको क्या करना है ऑब्जर्व करना है कि कैल्शियम लेवल कितना है अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर कोई भी लेब वैल्यूज आए तो पहले आपको ये देखना है कि लेब वैल्यू वो डिक्रीज़ है या इंक्रीज है ठीक है उसी से आप पता लग सकते हो कि उसको कौन सी बीमारी या कौन सी डिजीज़ उसके अंदर है ठीक है लेब वैल्यूज़ अगर नॉर्मल है तो मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है अगर लेब वैल्यूज़ कम है या ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है ठीक है तो यहाँ पे लेब वैल्यूज़ पहले समझिए कैल्शियम की लेब वैल्यूज़ दी गई है तो लेव वैल्यूज कैल्शियम की है वो नॉर्मल कितनी होती है वो होती है 8.5 टू 10 एम पर डी एल यहाँ पर कितनी है 7 एम पर डी एल तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा तो जो इसका राइट right आंसर है वो होगा ऑप्शन डी नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या है यहाँ पे सेवन एम जी पर डी ये क्या है ये जो भी नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल है उससे कम है कौन सी कंडीशन है हाइपो की कंडीशन है नमनेस है और टिंगलिंग से वो देखने को मिलती है जो भी एक्सट्रीमिटीज है उनमें नमनेस क्या होती है जो होता है ना सुन सुनापन होता है सुनपन होता है उसको हम बोलते हैं नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन होता है जैसे जो भी शार्प है जैसे चीटियाँ काटती है ना बॉडी में वो क्या है टिंगलिंग सेंसेशन ठीक है उसमें नंबर और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए क्लाइंट प्रेजेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ इलीगल यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन नार्कोटिक्स विच असेसमेंट डाटा इज द अर्लीएस्ट साइन ऑफ विदड्रॉल ठीक है तो क्वेश्चन में बताया गया है एक क्लाइंट है उसकी हिस्ट्री है किसकी इलीगल यूज ऑफ नारकोटिक्स जो तो भी नारकोटिक्स है उसके इलीगल यूज़ की हिस्ट्री है तो इसमें असेसमेंट में देखिए उसका जो भी विड्रॉल है ठीक है उसको क्या किया जा रहा है विड्रॉल किया जा रहा है तो उसका अर्लीस्ट साइन है वो क्या होगा तो इसमें फर्स्ट देखिए बी पी नाइनटी वाई सिक्सटी और जो हाइड्रेट है वो हंड्रेड ऑप्शन बी एनजाइटी इरेटेबिलिटी और जिसमें ऑप्शन थर्ड है इंसोमिनिया डायरिया और ऑप्शन डी है नोजिया एंड वोमिटिंग तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है फर्स्ट एलियट साइन बताना है जो भी किसका है विड्रॉल सिम्टम है जो भी नार्कोटिक्स है उसका तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एंजाइटी और इरिटेबिलिटी ठीक है जो भी एंजाइटी और इरिटेबिलिटी है ये इसका फर्स्ट साइन है और इसके साथ में इसमें क्या देखने को मिलता है जो भी सेलाइवेशन है डायफोरेसिस है वो भी देखने को मिलेगा बाकी के ऑप्शन में देखिए बी पी नाइनटी बाई सिक्सटी वो नहीं होगा ये क्या है ये यहाँ पर हाइपर टेंशन है लेकिन उसमें हाइपर टेंशन देखने को मिलेगा और टिक आडिया तो देखने को मिलेगा लेकिन किसके साथ में हाइपर टेंशन के साथ में और इसमें देखिए इंसोमनिया और डायरिया इंसोमनिया हमेशा Uh, क्या होता है लेट स्टेज में देखने को मिलता है ठीक है और डायरिया देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो नार्कोटिक्स है वो क्या करते हैं जो भी इंटेस्टाइनल uh, जो मोटिलिटी है उसको क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं तो उसके अंदर डायरिया तो देखने को नहीं मिलेगा कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है ठीक है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई परफॉर्मिंग ए रूटीन असेसमेंट ऑन ए वन ईयर ओल्ड क्लाइंट विच डाटा शुड बी कलेक्टेड फर्स्ट ठीक है एक एक साल का बच्चा है उसमें रूटीन असेसमेंट किया जा रहा है तो कौन सा असेसमेंट है वो सबसे पहले करेंगे ऑप्शन में देखिए रेक्टल टेम्परेचर हाइटरेट रेस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर बच्चा एक साल का है तो आपको बताना है कौन सा असेसमेंट करेंगे डाटा कलेक्शन करने के लिए तो फर्स्ट है वो क्या किया जाएगा रेस्पायरेशन किया जाएगा रेक्टल टेम्परेचर किया जाएगा हाइड्रेट किया जाएगा या ब्लड प्रेशर किया जाएगा जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए ये क्वेश्चन दो से तीन बार पहले भी पूछा गया था और मैंने इसका एक बार पहले भी रिप्लाई किया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सोच समझ के आपको इसका रिप्लाई करना है तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रेस्पायरेशन ठीक है रेस्पायरेशन हम सबसे पहले चेक करेंगे जो भी इन्फेंट है उसके अंदर और इसके अंदर देखिए बाकी के ऑप्शन देखिए जो भी रेक्टल टेम्परेचर है वो जो भी बच्चा है उसको क्या कर सकता है अपसेट कर सकता है और हार्ट रेट है ये हम रेस्पायरेशन के बाद में मेजर करेंगे ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मली केस में हम जो भी बच्चे होते हैं उनका ब्लड प्रेशर मोनिटर नहीं करते उसके लिए जो अदर कंडीशन है जैसे बल्गिंग फंटानल्स है उस कंडीशन में हम देख सकते हैं अगर बच्चा अनकॉन्शियस है उस कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं ठीक है वरना बच्चों में जो भी ब्लड प्रेशर है वो इतना मॉनिटर नहीं किया जाता इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए इज इंसर्टिंग ए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब वहन रेजिस्टेंस इज मेड द नर्स शूड तो क्वेश्चन को समझिए एक क्लाइंट है उसको नेजोगेस्टिक ट्यूब है वो इंसर्ट की जा रही है ठीक है जो भी नेजोगेस्टिक ट्यूब है उसको क्या की जा रही है इंसर्ट की जा रही है बाई नोस्ट्रिल तो क्या है कि जो नर्स है वो जैसे नेजोगेस्टिक ट्यूब है वो इंसर्ट करती है उसको क्या लगता है कि आगे जो ट्यूब है वो नहीं जा रही तो नर्स वो क्या करेगी ऑप्शन में देखिए कंटिन्यू टू पुस द ट्यूब इन टू द नोज जो ट्यूब है उसको वो कंटिन्यू नोज में पुष करेगी आज द क्लाइंट टू वालो पुल आउट द ट्यूब एंड ट्राई द अनोदर साइड और चेक फॉर करेक्ट प्लेसमेंट विथ थर्टी सी सी ऑफ एयर आपको राइट आंसर कमेंट करना है नर्स है वो क्या करेगी ठीक है कंडीशन मैंने बता दी उसके अंदर नेजोगेस्टिक ट्यूब है वो इंसर्ट कर रहे थे उस टाइम पर नर्स है उसको क्या लगा कि आगे जो ट्यूब है वो नहीं जा रही तो नर्स को क्या करना चाहिए राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए तो जो इसका राइट right आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पुल आउट द ट्यूब एंड ट्राई द अनोदर साइड ठीक है अगर जो भी यूँ समझिए कि उसके नोस्टेल में अगर कोई वो ट्यूब है वो नहीं जा रही तो उसको आपको ज़बरदस्ती कभी भी आगे की तरफ नहीं धकेलना है ठीक है उसको ये भी नहीं बोलना है कि आप साल करो ये करो अगर जा ही नहीं रही तो आपको क्या करना है दूसरे जो भी नोस्टेल है उसमें ट्राई करना है ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या है पुल आउट द ट्यूब एंड ट्राई टू अदर नोस्टेल इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए सर्जिकल वाउंड विच इज़ थ्री डेज ओल्ड विच असेसमेंट डाटा इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ ए वाउंड इन्फेक्शन तो क्वेश्चन में बताया गया है एक नर्स है वो एक सर्जिकल वाउंड है उसको तीन दिन से केयर प्रोवाइड करवा रही है कौन सा जो भी असेसमेंट डाटा है वो इंडिकेट करेगा वाउंड इन्फेक्शन को ऑप्शन में देखिए इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स काउंट सेपरेटेड वाउंड एजेस प्रुलेंट ड्रेनेज और एडिमा एट द साइट तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पुरोलेंट ड्रेनेज जो भी पुरोलेंट ड्रेनेज है ये कौन से केस में देखने को मिलता है जो भी इन्फेक्शन वाले केस है उसमें क्या देखने को मिलता है पुरोलेंट ड्रेनेज देखने को मिलता है जैसे वहाँ पे क्या देखने को मिलता है पस देखने को मिलता है ठीक है वो क्या है पुरेंट ड्रेनेज और ये इन्फेक्शन को क्या करता है इंडिकेट करता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच कनेल नर्व इज बीग टेस्टेड वाइन द नर्स आस्क द क्लाइंट टू स्रग हिज हेड शोल्डर एंड रेसिस्ट प्रेसर टू पुट डेम डाउन ठीक है तो क्वेश्चन को समझिए जो नर्स है एक जो क्लाइंट है उसके जो भी शोल्डर है उसको सर्क करने के लिए बोल रही है सर्क मतलब होता है उचकाना जैसे ये करना ये करना ये क्या है ये होता है सर्क करना ठीक है इसके लिए जो तो नर्स है वो कौन सी क्रेनियल नर्व है उसको असेस करेगी ऑप्शन में देखिए फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जो भी ऑल फैक्ट्री है वो एलेवेंथ क्रेनियल नर्व है जो स्पाइनल असेसरी है वो या फाइव क्रेनियल नर्व है जो ट्राइजेमिनल है उसको असेस करेगी या सेवन करेनियल नर्व है जो फेशियल नर्व है उसको असेस करेगी ठीक है तो मैंने बता दिया जो नर्स है वो क्या है जो भी क्लाइंट है उसके जो भी शोल्डर uh, से उसको क्या करवा रही है सड़क करवा रही है उसके लिए कौन सी करेनियल नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल है राइट right आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए तो जो इसका राइट right आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एलेवन ठीक है जो भी इलेवन नर्व है कौन सी है वो है असेसरी नर्व है स्पाइनल असेसरी नर्व है वो क्या करती है जो भी ट्रेपेजियस मसल्स है और स्ट्रेनो मेस्टोइड मसल्स है उसको क्या करती है कंट्रोल करने का काम करती है ठीक है तो जो भी जो भी क्लाइंट के जो भी शोल्डर हम सर्व करवा रहे हैं तो उसको कौन कंट्रोल करेगी वो होगी इलेवन तो जो भी क्लिनल नर्व है जो भी कौन सी है असेसरी नर्व है ठीक है वो कंट्रोल करेगी ऑप्शन जो भी फेस्ट है जो भी ऑलफेक्ट्री नर्व है वो किसके लिए ज़मींदार है ऑलफेक्शन के लिए स्मेल के, के लिए फाइव है टाइट जमीन है जो भी आ, आई ब्लिंकिंग है और जो भी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है वो क्या करती है जो भी जा है जो भी आई ब्लिंकिंग है और जो भी म्यूकस मेमरन है उसको क्या करती है कंट्रोल करने का काम करती है और जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है वो है फेशियल क्रेनियल नर्व है उसका रोल टेस्ट में भी है टंग के अंदर भी उसका रोल है उसको कंट्रोल करती है ठीक है तो यहाँ पर कौन सी करेनियल नर्व होगी वो होगी इलेवंथ क्रेनियल Nervous, जिसका नाम क्या है uh, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टेन व्हेन असेसिंग ए हैंड्स द नर्स नॉट क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स द नर्स रिकॉगनाइज दैट क्लबिंग इज ए साइन ऑफ जो नर्स है वो क्या कर रही है एक क्लाइंट है उसके हाथ है उसको क्या कर रही है असेस कर रही है उसकी उंगलियों को असेस कर रही है उसकी उंगलियों को असेस करने के दौरान में उसको पता चलता है कि उसकी उंगलियों में क्या हो रहा है क्लबिंग हो रही है तो जो नर्स है ये कौन से साइन को पहचानेगी इसका कारण क्या है ऑप्शन में देखिए रेस्पायरेटरी डिजीज कार्डियोमेगाली डायबिटीज़ और रूमेटोइड आर्थराइटिस तो right राइट आंसर तो आपको कमेंट करना है जो भी क्लबिंग ऑफ फिंगर है ये किस डिजीज के कारण से हो रही है ये किसका साइन है राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट जो भी रेस्पायटी डिजीज है वो इसका कारण है ठीक है रेस्पायटी डिजीज है इसका कारण क्यों होगी रेस्पायटरी डिजीज होगी तो उसके अंदर क्या होगा जो भी ब्लड uh, है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होगा ठीक है तो वहाँ पर जो भी फिंगर्स है वहाँ पर क्या होगा क्लब बनने लग जाएंगे ठीक है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वुड बी एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग वैन असेसिंग ए क्लाइंट विद लुपर्स रिथ्रो क्वेश्चन को समझिए एक क्लाइंट है उसको क्या है लुपस इथ्रोमेटस है तो उसके अंदर जो भी क्लाइंट है उसको जो नर्स असेस करेगी तो उसको क्या देखने को मिलेगा ऑप्शन फर्स्ट देखिए रेस ओवर द नोज एंड चिक्स ज्वाइंट स्टेफनेस फॉर वन टू हवर्स एंड अराइजिंग ऑप्शन थर्ड देखिए रेड एंड एडिमेटस जॉइंट और ऑप्शन फोर्थ है इनटॉलरेंस टू मिल्क शुगर क्लाइंट को क्या है लुपस इथ्रोमेटस है तो उसके लिए जो नर्स है वो कौन से साइन को एसेस करेगी राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए जो नर्स है उसको क्या देखने को मिलेगा जो भी आपका राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन फर्स्ट रेस ओवर द नोज एंड चिक्स ठीक है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे है सिस्टमिक लुपस एथ्रोमेटस ये एक ऑटोमिन डिजीज़ है इसके अंदर मैंने पहले भी बताया था जो भी क्लाइंट है उसके अंदर आपको बटरफ्लाई साइन देखने को मिलता है यानी बटरफ्लाई साइन इसी तरह का होता है जो भी नोज है और जो भी ये चिक एरिया है वहाँ पर इस जगह पर क्या होते हैं रेसेज बनने लग जाते हैं ठीक है ऐसे ऐसे इस जगह पर यहाँ पर क्या होने लग जाते हैं रेसेज होने लग जाते हैं ये किस में देखने को मिलता है जो भी सिस्टमिक लुपस एथ्रोमेटस है उसके अंदर देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं

पेशेंट को क्या है सीलियक डिजीज़ है उसके लिए आप कौन सी डाइट है वो चूज़ करोगे जो ऑप्शन मैंने बता दिए राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ग्लूटेन फ्री डाइट ठीक है ग्लूटेन फ्री डाइट जो भी सीलिक वाले पेशेंट होते हैं जो भी सीलिक डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है जो क्लाइंट है उसके अंदर जो भी ग्लूटेन प्रोटीन है वो क्या नहीं हो सकती ब्रेक डाउन नहीं होती ठीक है तो जो भी क्लाइंट है उसको हम ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे ग्लूटेन फ्री डाइट में क्या होता है ब्रो आता है देखो ब्रो यह है क्या एक मने है याद करने के लिए बी आर ओ डब्ल्यू ब्रो तो इसमें बी का मतलब क्या होगा वो होगा बेरली आर का मतलब होगा राई ओ का मतलब होगा ओट्स और डब्ल्यू का मतलब वो होगा वो क्या होगा व्हीट बैली राई ओट्स और वीट है ये क्या है इसमें काम में नहीं लेंगे क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है ग्लूटेन पाया जाता है जो भी सीले डिजीज़ वाले पेशेंट है उसमें तो ग्लूटेन प्रोटीन है वो ब्रेकडाउन ही नहीं होगी ठीक है तो हम उसको क्या देंगे ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे ठीक है फैट फ्री डाइट है ये भी जो हाई कोलेस्ट्रोल वाले पेशेंट है हार्ट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको हम फैट फ्री डाइट देते हैं लेक्टोज फ्री डाइट है ये किसको देंगे जिसमें लेक्टोज इंटोलरेंस देखने को मिलता है लो सोडियम डाइट हम जो भी हाइपर वाले हैं और जिनको किडनी की दिक्कत है उन पेशेंट को हम क्या देते हैं लो सोडियम डाइट देते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच एक्टिविटी रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल कैरिंग आउट द एक्टिविटी टू यूज़ द मोस्ट एनर्जी क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें कौन सी एक्टिविटी करने पे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है उसका खर्च होगा ठीक है जो भी शरीर है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूर जरूरत होगी जरूरत होगी ये कौन सी एक्टिविटी करने पे ये एक तरह का बेसिक स्किल क्वेश्चन है ठीक है तो इसमें देखिए ऑप्शन फर्स्ट रोलिंग पाइवोटिंग, लिफ्टिंग और टर्निंग तो आपको बताना है कि कौन सी जो भी एक्टिविटी है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए तो जो इसका राइट right आंसर है वो होगा ऑप्शन थर्ड लिफ्टिंग ठीक है और देखिए रोलिंग रोल करना पाईवोट करना और टर्न करना इसमें एनर्जी कम होती है ठीक है इसमें एनर्जी यानी जो भी इस बॉडी को है उसमें एनर्जी कम खपत होगी लेकिन लिफ्ट करना यानी आप किसी को उठाओगे किसी भी चीज़ को उठाओगे उसमें क्या होता है कि जो भी आप फोर्स लगाते हो वो ग्रेविटी के विरुद्ध होता है ठीक है यानी जो भी गुरुत्वाकर्षण है उसके आप अगेंस्ट काम करोगे तो उसके अंदर क्या होती है ज़्यादा एनर्जी लगती है ठीक है तो यहां पे लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है बाकी की रोलिंग है 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 टर्निंग है। उसमें इतनी ज्यादा जो भी एनर्जी है उसका लॉस नहीं होता ठीक है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इक्विपमेंट डज द नर्स नीड टू परफॉर्म ए रीने टेस्ट ऑन ए क्लाइंट एक क्लाइंट है उसमें रीने टेस्ट परफॉर्म करना है तो उसके लिए कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी बहुत ईजी क्वेश्चन है इसमें में देखिए रिफ्लेक्स हेमर न्यूमेटिक ऑटोस्कोप टर्निंग फॉक और स्नेलर चार्ट राइट आंसर जल्दी कमिट कर दीजिए क्लाइंट को आपको क्या करना है रेना टेस्ट करना है तो उसके लिए कौन सी इक्विपमेंट है उसकी आपको आवश्यकता होगी तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी टर्निंग फॉग जो भी ट्यूनिंग फॉग है उसका यूज़ हम किस में करते हैं जो भी रेना टेस्ट है उसके लिए करते हैं वेबर टेस्ट के लिए किया जाता है रिफ्लेक्स हैमर इसका यूज़ है जो रिफ्लेक्सर है उसको चेक करने के लिए करते हैं न्यूमेटिक ऑटोस्कोप इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं जो भी टिपेनिक मेम्ब्रेन है उसके मौसम को मेजर करने के लिए और जो भी स्नेल चार्ट है इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं जो भी विजन है जो भी डिस्टेंस विजन है उसके लिए हम स्नैन चार्ट है उसका यूज़ में हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टाइप ऑफ प्रिक्योशन वुड बी यूज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हेपेटाइटिस बी एक हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट है उसको आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए कौन से टाइप के आवश्यकता होगी ऑप्शन में देखिए स्टैंडर्ड प्रशन एयरबॉन्ड प्रशन ड्रॉपलेट और राइट आंसर आपको कमेंट करना है उसके अंदर आपको कौन से प्रिक्यशन की आवश्यकता होगी क्लाइंट है वो है हेपेटाइटिस बी का ठीक है तो जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए तो जिसका राइट आंसर है वो होगा हो स्टैंडर्ड प्रिक्वेशन स्टैंडर्ड प्रिक्वेशन इसमें अंदर क्या होता है कि जो भी बॉडी फ्लूड है और जो भी ब्लड है उससे अपने को क्या करना है बचाव करना है ठीक है उसके लिए हम स्टैंडर्ड प्रिक्वेशन काम में लेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द कलाइंट हिस्ट्री इंडिकेट्स चेबरल एलर्जिक डिजीज इंक्लूडिंग एक्जिमा एंड अस्थमा एज ए चाइल्ड है फीवर एज एन एडल्ट विच लेबोरेटरी फाइंडिंग सपोर्ट दिस हिस्ट्री तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक क्लाइंट है जब वो बच्चा था तो उसके अंदर क्या था देखने को मिल रहा था एक्जिमा और रस्तमा और एडल्ट है तो उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है हे फेवर देखने को मिल रहा है तो जब भी ये भी लेबोरेटरी फाइंडिंग है ये कौन सी हिस्ट्री है उसको बताती है ऑप्शन में देखिए मॉडरेट एनिमिया एलेवेटेड योसिनोफिसकाउंट एलेवेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन और एल्केलाइन फोस्पेट डिक्रीज तो राइट right आंसर आपको कमेंट करना है उसके अंदर जो भी बच्चा है उसमें एक जिम्मे और रस्तम देखने को मिल रहा है जो अगर वो जैसे एडल्ट में आया तो उसको जो भी है फीवर है वो देखने को मिल रही है तो कौन सी जो भी लेबोरेटरी वैल्यूज है उसको आप उसकी सहायता से आप बता सकते हो कि उसके पहले कौन सी दिक्कत रही है तो जो इसका राइट right आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एलेवेटेड योसिनोफिन काउंट ठीक है जो भी इलेवेटेड योसिनोफिल्स काउंट है ये किस में कंडीशन में देखने को मिलती है जो भी एलर्जी कंडीशन वाली कंडीशन है उसमें देखने को मिलती है एक्जिमा हे फीवर इसमें ये कौन सी से रिलेटेड है जो भी एलर्जी है उससे ठीक है तो उसके अंदर आपको क्या जो भी एोसिनोफिल्स है वो बड़ी हुई देखने को मिलेगी और जो भी बाकी के जो भी इसमें ऑप्शन है वो एक्जिमा या फिर मतलब कि जो भी एलर्जी है उससे रिलेटेड नहीं है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17. विच क्रेनियल नर्व इज नर्स असेसिंग व्हेन द नर्स द क्लाइंट ब्लिंक रिफ्लेक्स इज चेक एक क्लाइंट है उसमें ब्लिंक रिफ्लेक्स है वो चेक किया जा रहा है तो जो नर्स है कौन सी क्रेनियल नर्व है उसको असेस करेगी ऑप्शन में देखिए वन जो भी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है ऑलफेक्ट्री उसको फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल सेवन्थ क्रेनियल नर्व है जो भी फेशियल है उसको और एलेवंथ क्रेनियल नर्व है जो भी स्पाइनल क्रेनियल नर्व है उसको इसके बारे में मैंने अभी बताया था जो भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था क्रेनियल नर्व का तो मैंने उसमें बताया था ठीक है तो अभी आपको राइट right आंसर बताना है उसके अंदर क्या किया जा रहा है जो क्लाइंट है उसके अंदर ब्लिंक रिफ्लेक्स है वो चेक किया जा रहा है तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है जो कौन सी है ट्राइजेमिनल नर्व है इसके अंदर क्या किया जाता है जो भी आई है उसके जो भी कोने है उसको एक कॉटन विस्प से साइड से क्या किया जाता है टच किया जाता है दोनों आंखों से ठीक है दोनों आंखों की तरफ से उसके जो भी कोने हैं उसको एक कॉटन से क्या किया जाता है विस्प किया जाता है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा ब्लिंक रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा ये कौन सी नर्व है असेस करेंगे वो है फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व के कारण से देखने को मिलेगा कौन सा ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ए क्लाइंट हैज बीन बैड रिडन फॉर सेवरल मंथ्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एल्जाइमर डिजीज फॉर विच मस्कुलो स्केल्टन प्रॉब्लम इज द क्लाइंट एट रिस्क एक क्लाइंट है अल्जाइमर वाला पेशेंट है ठीक है वो कई दिनों से क्या है बेड रेडिंग पे है कई दिनों से क्या है बेड पे है ठीक है जो क्लाइंट है उसमें कौन से मस्कुलो स्केल्टन है वो डिजीज वो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी ठीक है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसमें यूँ समझिए कि दो आंसर एक तरीके से तो जो क्लाइंट है वो क्या है अल्जाइमर वाला है काफ़ी दिनों से बेड पे लेटा हुआ है वो इसमें बताना है कि कौन सा मस्कुलो स्केल्टन डिसऑर्डर है वो देखने को मिल सकता है ऑप्शन में देखिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑस्टियोपोरोसिस एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप और एम्बोलिज्म राइट आंसर आपको कमेंट करना है राइट आंसर इसका क्या होगा तो जो इसका राइट right आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ओस्टिओपोरोसिस ओस्टिओपोरोसिस क्यों होगा क्योंकि वो क्या है कि लंबे टाइम से बेड रिडन पेशेंट है उसके अंदर क्या होता है जो भी कैल्शियम का लेवल है वो कम देखने को मिलेगा और इसमें एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट अगर जो भी लंबे टाइम वाले पेशेंट अगर वो लंबे टाइम पर बेड रेस्ट करते रहते हैं तो उसके अंदर आपको ना डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिल सकता है डी भी लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या पूछा है जो उसको मस्कुलो स्केलेटन डिसऑर्डर पूछा है हाईलाइट की हुई चीज समझो इसको मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम पूछी है तो वो क्या होगी वो होगी ओस्टियोपोरोसिस क्योंकि उसमें हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा जो है उसमें पोर होने को मिलेगी जो हड्डियाँ वो कमज़ोर होने लग जाएंगी और अगर उसमें कोई भी ये भी वेस्कुलर से संबंधित बात आती है तो उसमें क्या होता है उसमें होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस ठीक है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ए क्लाइंट कम्स इन टू द इमरजेंसी रूम विद हैवीली ब्लीडिंग थाई वाउंड विच इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन एक क्लाइंट है उसको इमरजेंसी जो भी डिपार्टमेंट है इमरजेंसी रूम है वहाँ पे लाया गया है तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है उसमें जो भी थाई का वाउंड है उसके अंदर ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो नर्स है उसका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा स्टार्ट ऑक्सीजन प्रेशर ऑन द वाउंड establishing an IV line or determine the cause of the wound. Right answer आपको comment करना है easy question है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि इसका right answer है वो क्या होगा तो जो इसका राइट right आंसर है वो होगा ऑप्शन बी पुट प्रेशर ऑन द वाउंड क्यों क्योंकि जो क्लाइंट है उसको क्या हो रही है हैवी ब्लीडिंग हो रही है अगर आप उसकी ब्लीडिंग नहीं रोकोगे तो उसके अंदर क्या हो सकता है उसके अंदर हाइपोवोलमिक शॉक हो सकता है कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम मेंटेन क्या करेंगे एयरवे करेंगे अरे मेंटेन एयरवे करोगे उससे पहले उसकी ब्लीडिंग तो रोकना है ठीक है तो वो कई तो ऐसे सोचते हैं ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे ऑक्सीजन स्टार्ट नहीं करेंगे सबसे पहले आपको उसकी ब्लीडिंग को रोकना है ठीक है वो जरूरी है ठीक है अलग अलग केस में अलग अलग होता है कई जगह पर ऐसे होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में हम जो भी एयरवे उसको मैंटेन करेंगे ठीक है और यहाँ पर इस वाली कंडीशन है अगर उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ब्लड को पहले रोकना होगा वरना क्लाइंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑब्जर्विंग ए ईयर ओल्ड इन द हॉस्पिटल प्ले रूम विच टाइप ऑफ प्ले वुड द नर्स इंटरप्रेट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एक दो साल के बच्चे को एक नर्स है वो हॉस्पिटल के प्ले रूम में खेलते हुए देख रही है तो जो नर्स है वो कौन से उसमें जो भी प्ले है उसको नॉर्मल देखने को उसमें मिलेगा ऑप्शन देखिए सोलिट्री पैरेलल एसोसिएटिव और ड्रामेटिक मैंने प्ले के बारे में बता रखा है एज के अकॉर्डिंग की कौन सी एज में कौन सा प्ले है वो किया जाता है ठीक है तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है बच्चे की एज देखनी है उसकी एज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उसके अंदर कौन सा नॉर्मल है वो प्ले है वो देखने को मिलेगा तो जो इसका राइट right आंसर है वो होगा ऑप्शन बी पैरेलल ठीक है इसमें देखिए सोलिटेरी सोलिटेरी इन्फेंट में देखने को मिलता है और यहाँ पे क्या है पैरेलल पैरेलल टोडलर में देखने को मिल रहा है जो भी एक से लेकर तीन साल तक के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं टोडलर होते हैं ठीक है तो यहाँ पे बच्चे की एज क्या है दो साल वो क्या है टोडलर है तो उसमें एक पैरेला देखने को मिलेगा थर्ड है एसोसिएटिव जो भी एसोसिएटिव है और इमेजिनेटिव है ये प्री स्कूलर में देखने को मिलते हैं और जो भी ड्रामेटिक है ये कौन से एज में देखने को मिलता है जो भी स्कूल एज के जो भी बच्चे हैं उसके अंदर ड्रामेटिक जो भी प्ले है वो देखने को मिलते हैं ठीक है इसमें लास्ट क्वेश्चन दिख की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम वुड द नर्स यूज when एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन टू ए क्लाइंट हु हैज़ experienced ए कार्डियक अरेस्ट ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा इसको आपको बस मैं हिंट दे के जाऊँगा और आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर वो क्या होगा ठीक है क्वेश्चन में बताया गया है कि एक क्लाइंट है उसको क्या है कार्डिय अरेस्ट हुआ है तो उसको कौन से डिलीवरी सिस्टम है जो मेथड है ऑक्सीजन का वो काम में लिया जाएगा ऑप्शन में देखिए ए नेजल कैनोला एट वन लीटर पर मिनट ए हंड्रेड परसेंट नॉन रिब्रिथ मास्क एट ट्वेंटी एट परसेंट वेंटी मास्क और ए फेस मास्क एट फोर लीटर पर मिनट ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा उसको कार्डियक अरेस्ट है तो आप उसको क्या करोगे उसको ज़्यादा मात्रा में उसको ऑक्सीजन दोगे ये तो ज़रूरी है ठीक है उसको क्या है कार्डियक अरेस्ट है ठीक है तो इसका राइट right आंसर है वो क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है ठीक है जो भी ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है ऑक्सीजन थेरेपी है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नाम पे ठीक है तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो और अभी आपको ये कमेंट करना है कि आपके कितने आंसर है वो सही हो रहे हैं और इस क्वेश्चन है उसका राइट right आंसर है वो क्या होगा ये देखिए इसे आपको एक असेसमेंट पता चलेगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसका क्या लेवल है वो चल रहा है ठीक है अगर कम कम भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आगे हमने पहले भी हमने इतने वीडियो बना चुके हैं आप उनको जाके देखिए आगे अब कंटिन्यू और भी वीडियो आएंगे आप उनको भी देखते रहिए ठीक है ठीके? ये आपके आगे जो आने वाली एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे ठीक है तो फिलहाल के लिए इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये भी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कमेंट हो तो उसको कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं या नर्सिंग के जो भी क्लासमेट हैं बेच बेचमेट हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए फिलहाल के लिए इतना ही ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद